हां जी, वेलकम टू अभिषेक जा क्लासेस। आज है 22 जनवरी, तो रामलला के आने के बहुत ही ज्यादा खुशियां चहल पहल हो रही है चारों तरफ। तो ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, जय श्री राम। भगवान राम आपको बहुत ही ज्यादा बुद्धि दे, और जिस तरह से आप पढ़ रहे हो उसी तरह से आप पढ़ते रहो, लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनो। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू एंड मार्केट का लास्ट लेक्चर। ये लेक्चर खत्म होते ही इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी हमारा ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। डेट याद रखिएगा, 25 जनवरी और 26 जनवरी हमारा मैराथन होगा, जहां पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को एक बार में हम लोग खत्म कर देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन, सजेशंस, सब कुछ, सजेशन भी मिलेगा उसमें, आना मत भूलना। 25 और 26 जनवरी 11 बजे हमारा इकोनॉमिक्स का मैराथन होगा, फुल सिलेबस मैराथन। जिस मैराथन को करने के बाद कोई भी बच्चा अगर ना पढ़ के भी कोई आया है, वो 60% से कम नहीं ला सकता, इतना एश्योरिटी में दे सकता हूं। आइए शुरू करते हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शॉर्ट रन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए थे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन का क्या क्या रिएक्शन होता है। जैसे कि शॉर्ट रन में आप लोगों को पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, और लॉस भी होता है। तो वैसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे कि लॉन्ग रन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी नोट्स मैं बना दिया हूं जिससे आप लोगों का टाइम ज्यादा जाया ना हो, तो आप सबसे पहले समझोगे इसको, इसके बाद खुद नोट डाउन करोगे, क्लियर है। चलिए आइए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाफट से ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल। आइए शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। क्या ये बात पर आप एग्री करते हो? एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इजिली एंट्री भी हो जाता है, इजिली एग्जिट भी हो जाता है। जिसको आना है आओ, जाना है जाओ, बिजनेस खोलना है खोलो, बिजनेस बंद करना है बंद करो, कोई तुम पर रोक टोक नहीं लगाएगा। क्या आप इस बात पर एग्री करते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 हम एग्री करते हैं। इसके बाद देखिए, देयरफॉर इफ एग्जिस्टिंग फर्म आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो अगर सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो दूसरे फर्म्स को ना इनकरेजमेंट मिल जाएगा, दूसरे लोगों को इनकरेजमेंट मिल जाएगा। अरे ये बंदा तो बहुत अच्छा कमा रहा है, हम लोग भी यही सेम बिजनेस करते हैं, तो बहुत सारे लोग आएंगे उस फर्म में, भीड़ क्रिएट हो जाएगा, सामान का डिमांड कम जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट कम जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। आप ऐसा मानते हो कि नहीं? लॉन्ग रन में ये सब हो सकता है कि नहीं, बताइए। देयरफॉर इफ एग्जिस्टिंग फर्म आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, दे विल अट्रैक्ट न्यू फर्म टू एंटर द इंडस्ट्री। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि बहुत बीच में ना एक गोंधोराज मोमो का ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था, गोंधोराज मोमो, एक कोई शॉप ने बहुत अच्छे से गोंधोराज मोमो बना दिया था, अरे वही ग्रीन ग्रीन कलर का मोमो, तो सारे के सारे मोमो वाले शॉप ना गोंधोराज मोमो बनाने लगे थे। अरे भाई ट्रेंडिंग है, बिकेगा 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 बिकेगा, लेकिन ट्रेंड कितने दिन तक रहता है? कभी ना कभी तो उसका डिमांड खत्म होगा ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारे लोग उसको बनाने लगे, तो इससे क्या हुआ, डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, और प्रॉफिट भी कम। तो लॉन्ग रन में क्या हो जाता है? प्रॉफिट कम हो जाता है बाबू। लॉन्ग रन में कोई भी इंसान सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाता, नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लॉन्ग रन में कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाता है। इसका रीजन हम लिख दिए हैं, देखिए, इन ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, देयरफॉर इफ एग्जिस्टिंग फर्म आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट इन द शॉर्ट, दे विल अट्रैक्ट न्यू फर्म टू एंटर द इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, इसके लिए क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगा उन लोगों का, सारे के सारे इंडस्ट्री में बहुत लोग कंपटीशन करने आ गए, वो ट्रेंडिंग चीज को बनाने के लिए आ गए, गोंधोराज मोमो को बनाने के लिए आ गए, तो ये बताइए कि मतलब कि कमोडिटी का सप्लाई बढ़ जाएगा कि नहीं? आप घर से निकलोगे, आपके मोमो के शॉप में गोंधोराज मोमो मिलेगा, तो आपको इतना दूर जाने का दरकार ही क्या है?
कीमत उसी चीज की होती है, याद रखिएगा दोस्तों, कीमत उसी चीज की होती है जो कम मिलता है, जो हर जगह मिलता है उसकी क्या कीमत। तो इससे क्या हो जाएगा कि सप्लाई बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगा, क्लियर है। ऑन द अदर हैंड द डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइसेस, तो प्रोड्यूसर के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, उसका डिमांड बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी राइज हो जाएगा, प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है वो भी राइज हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इंपैक्ट लॉन्ग रन में ऐसा होता है कि शॉर्ट रन में जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखा देखी करके सारे के सारे लोग आते हैं कि हम लोग भी बिजनेस खोलते हैं, हम लोग भी ये सेम बिजनेस खोलते हैं, हम लोग भी बहुत अच्छा से कमाएंगे, और क्या हो जाता है मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाता है और डिमांड इतू सा रहता है, डिमांड कम हो जाता है और प्रोड्यूसर लोग रॉ मटेरियल्स ज्यादा डिमांड करने लगते हैं और प्रोड्यूसर लोगों का इस चक्कर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन का खर्चा, प्रोड्यूसर लोगों का मतलब कि प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ जाता है इस चक्कर में, क्लियर है, हर चीज समझा रहे हैं। देखिए सो इसका क्या इंपैक्ट दिखता है हम लोग को, डज द प्राइस लाइन और एआर कर्व विल गो डाउन, तो प्राइस लाइन जो था एआर कर्व जो था वो नीचे चला जाता है और कॉस्ट कर्व ऊपर चला जाता है, खर्चा ज्यादा प्राइस कम, खर्चा ज्यादा मुनाफा कम, समझे, रेवेन्यू कम हो रहा है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कर्व ऊपर दिखता है और प्राइस लाइन नीचे, क्लियर। इसके बाद देखिए एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्राइस लाइन और एआर कर्व बिकम्स टैंजेंट टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दिस वाइप्स आउट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना इधर इम्पॉसिबल इसीलिए हो जाता है, इसीलिए यहां पे लोग नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं, लॉन्ग रन में लोग नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं, सिर्फ एक ही लॉस भी नहीं होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। हेंस इन लॉन्ग रन फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर। तो इस सबको पूरा का पूरा लिखिएगा और ये ग्राफ साथ में जरूर बना लीजिएगा। देखिए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं अभी, देखिए आप एकदम ध्यान दीजिए, सबसे पहला कंडीशन क्या था MR equals to MC, दूसरा कंडीशन क्या था MC curve cuts below MR, ठीक है। यहां पे देखिए LMC मतलब कि लॉन्ग रन का जो MC curve है ये कट्स कर रहा है, कट कर रहा है MR के बिलो से, कर रहा है कि नहीं बताइए। और यहां पे देखिए ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है LAC है, एवरेज कॉस्ट कर्व है ये एकदम यू शेप में चला गया है, यू शेप में जाने का मतलब है कि भाई मैं नॉर्मल प्रॉफिट कमाऊंगा, ना ही मैं लॉस करूंगा, ना ही मैं सुपर नॉर्मल करूंगा, मैं नॉर्मल प्रॉफिट कमाऊंगा। तो बिल्कुल ये ग्राफ को आप लोग देखिए, ये ग्राफ को ही बनाना है आप लोगों को। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर, वही रिलेशन को यहां पे दिखाया गया है, ये तो सिंपल है, ये तो हर ही चीज में हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंडस्ट्री यहां पे प्राइस बनाती है और फर्म क्या करती है उस प्राइस को ले देती है, उस प्राइस को टेक कर लेती है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बाबू, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में आप ज्यादा भी नहीं कमा सकते, कम भी नहीं कमा सकते, लॉस भी नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कमा सकते, नॉर्मल प्रॉफिट में रहना पड़ता, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इस बात से, इस वाक्य से हमारा पूरा का पूरा परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे मोनोपोली, क्या करेंगे अब हम लोग मोनोपोली, चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनोपोली। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर, मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर। अब देखिए मोनो का मतलब क्या होता है, जो आप लोग हो, जो मैं हूं, जो सब है, जो इस दुनिया में हर बैचलर लोगों को कहा जाता है सिंगल, तो मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर। रिपीट कीजिए, मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर। तो मोनोपोली को कंबाइन में हम लोग बोल सकते हैं सिंगल सेलर, अकेला सेलर जो मार्केट को पूरा डोमिनेट करता है, उसको छोड़ के और कोई सेलर नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर तो है लेकिन सेलर सिर्फ एक ही है, वो किस मार्केट में होता है, वो मोनोपोली मार्केट में होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर तो है लेकिन बेचने वाला सिर्फ एक है, बेचने वाला सिर्फ एक है, पूरा मोनोपोली क्रिएट करके रखा है वो मार्केट को,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली. मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स बायर, तो सिंगल बायर मीन्स मोनोपोली. क्लियर है? आइए एक एक करके समझते हैं इसको. मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर. सो मोनोपोली रेफर्स टू द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देर इज अ सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग कम्युनिटी विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट कभी अवेलेबल नहीं है. क्लियर है? इसके बाद देखिए, एज देर इज नो राइवल फर्म प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब कि कोई उसके साथ कंपटीशन करने वाला है ही नहीं. जैसे इंडियन रेलवे, सीईएससी, अगर आप सीईएससी का बिल दे रहे हो ना, तो सीईएससी का कोई भी कंपटीटर नहीं है, है ना? तो ये सब क्या है, ये मोनोपोली है इनका. द मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज इंडस्ट्री, मतलब कि मोनोपोली फर्म एक ऐसा फर्म है जो खुद ही में एक इंडस्ट्री है, जो खुद ही एक इंडस्ट्री है, वही डिसाइड करेगी प्राइस. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग बोलते थे ना कि परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि में क्या होता था, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर. लेकिन यहां नहीं, यहां फर्म इज द प्राइस मेकर, यहां पे फर्म इज द प्राइस मेकर. ठीक है, मोनोपोली का जो फर्म रहता है वही प्राइस को बनाता है. क्लियर है? फीचर्स देखिए, अब एक एक करके फीचर्स देखते हैं मोनोपोली का. सबसे पहला फीचर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला फीचर, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिर्फ एक ही सेलर मिलता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं. खरीदने वाले बहुत है, खरीदने वाले अनंत है, लेकिन सेलर सिर्फ एक है बाबू. क्लियर? नेक्स्ट, प्लीज लाइक कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है. वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, तभी अपकमिंग वीडियोस आएंगे, तभी सारे के सारे मैराथन हम अच्छे से मोटिवेट होके दे पाएंगे, है कि नहीं बताइए. नेक्स्ट नेक्स्ट फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. मोनोपोली मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहता. जैसे कि टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफी, वैसे मोनोपोली मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं रहता है. एक ही चीज है, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो भाड़ में जाओ. सिंपल. इंडियन रेलवे है, सर्विस लेना है तो लो, वरना बाहर में जाओ. इस तरह से मोनोपोली बोलता है. क्लियर है? तो देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन मोनोपोली मार्केट. द कमोडिटी सोल्ड बाय द मोनोपोली जनरली हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. देयरफॉर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन मोनोपोलिस्ट कम्युनिटी एंड अदर कम्युनिटी इज जीरो. क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो रहता है, क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो रहता है या तो लेस देन वन रहता है. क्लियर है? इसके बाद वाला फीचर, रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री फॉर न्यू फर्म्स, मतलब कि नया बिजनेस को घुसने नहीं देगा. कोई नया फर्म को एक मोनोपोली मार्केट में घुसने नहीं देते हैं. ठीक है, समझे? तो रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री फॉर न्यू फर्म्स, द मोनोपोली फर्म्स कंट्रोल द सिचुएशन इन सच ए वे दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द न्यू फर्म्स टू एंटर द मोनोपोली मार्केट. तो फर्म लोग कुछ ऐसे तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करता है कि भाई किसी दूसरे इंसान को घुसने मत देना ये बिजनेस में, ये बिजनेस सिर्फ मैं ही करेगा, ये बिजनेस का शेयर सिर्फ मैं ही है, अपनी है इस बिजनेस का शेयर. क्लियर है? इन सबको याद करना है? नहीं, याद नहीं करना है, चीटिंग करके लिखना है. क्या बात कर रहे हो, याद ही तो कर रहे हैं, याद ही करने के लिए तो पर आ रहे हैं, क्या बोल रहे हो. इसके बाद प्राइस मेकर, ए मोनोपोली फर्म हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. पूरा का पूरा कंट्रोल है कि किस तरह से उसको सप्लाई करना है, कैसे उसको सप्लाई करना है. तो मोनोपोली फर्म ही है प्राइस मेकर, जो प्राइस सेट करेगा तो वो प्राइस पे तुमको लेना पड़ेगा. नहीं लोगे बाहर में जाओ, नहीं लोगे बाहर में जाओ, बिकॉज वो सामान कहीं और मिलता ही नहीं है, वो सामान उसी के पास मिलता है. बहुत सारे मेडिसिन भी होता है मोनोपोली, सिर्फ वो मेडिसिन बनाने का अधिकार उसको ही है, और कोई नहीं बना सकता. क्लियर है? तो वो मेडिसिन के लिए तुम क्या एकदम मतलब कि ये हो जाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मेडिसिन तो खाना नहीं है, बहुत ज्यादा दाम ले रहा है, नहीं 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 खाएंगे, छोड़ो मर जाओ, ऐसे करोगे क्या? नहीं ना. तो मोनोपोली प्राइस मेकर है, मोनोपोली जो प्राइस सेट करेगा वही प्राइस पे तुमको खरीदना पड़ेगा बाबू, याद रखना ये चीज को. क्लियर है? चलिए आइए, समझ गए. तो यही सब था फीचर्स.
फीचर्स अच्छे से याद कीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ मोनोपोली। हालांकि ये लेस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। सोर्सेस ऑफ मोनोपोली, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स। बहुत जगह ना बहुत दवाइयों पे पेटेंट्स लगा के रखता है, कॉपीराइट्स लगा के रखता है, ट्रेडमार्क्स लगा के रखता है। इसका मतलब क्या कि ये चीज जो हम बनाए हैं वो और कोई नहीं बना सकेगा, ये चीज जो हम क्रिएट किए हैं वो और कोई नहीं क्रिएट कर सकेगा, ये बिजनेस जो हम क्रिएट किए हैं वो और कोई नहीं क्रिएट कर सकेगा। इसको बोलते हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क। यूट्यूब में गए हो मेरे लेक्चर्स को, अगर कोई दूसरा टीचर कॉपी करके डाले तो हम उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा देगा, या मैं कोई दूसरा टीचर का लेक्चर अपने चैनल पर कॉपी करके डालूं तो वो टीचर मेरे ऊपर एक कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा देगा, पता है। तो मोनोपोली का सोर्स क्या है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अगर एक कोई ऐसा चीज है जो एक यूनिक फर्म, जो एक सिंगल फर्म ही कर रहा है और उसका कॉपीराइट ट्रेडमार्क लेके रखा है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से, कि हम इसको क्रिएट किए हैं, कोई दूसरा इसको क्रिएट ना कर पाए और कोई दूसरा इसको कॉपी ना करे, तो वो मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। सिर्फ वही बना रहा है, उसी से तुमको खरीदना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद मोनोपोली का जो है कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स रहता है। जो रॉ मटेरियल्स लाता है ना, जो माल पत्र वो लाता है ना, उस पर सिर्फ उसका कंट्रोल है, उसको कोई दूसरा नहीं यूज कर सकता या उसको कोई दूसरा नहीं ला सकता। इफ वन फर्म एक्वायर्स द सोल ओनरशिप और कंट्रोल ओवर एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया, मान लो कि ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सिर्फ मेरा ही सोल ओनरशिप रहेगा और मैं ही इसको यूज करूंगा और कोई यूज नहीं करेगा, तो बताओ उस पर्टिकुलर या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई दूसरा कंपीट करने आ पाएगा, बताओ? नहीं ना। तो कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल इज द अनदर फैक्टर, इज द अनदर सोर्स ऑफ मोनोपोली। क्लियर है? इसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल। लोकल लोकल प्रोडक्ट यहां पे 20 क्वांटिटी बना रहा है और यहां पे ब्रांडेड एकमात्र जो प्रोडक्ट है वो 200,000 क्वांटिटी बना रहा है, तो किसका चलेगा, किसका किसका यहां पे मोनोपोली है? बस ब्रांडेड का। एग्जांपल दूं, मम्मी नमक लेने भेजती है बाबू तुमको, मम्मी नमक लेने भेजती है तो कौन सा नमक लेके आता है घर में? भैया टाटा नमक लेके आता है, क्योंकि सबको तो एक ही नमक का नाम पता है, रेयरली किसी को दूसरा कोई नमक का नाम पता होगा, लेकिन सबको तो एक ही नमक का नाम पता है ना, टाटा नमक। क्योंकि टाटा नमक लार्ज स्केल में बिजनेस करता है और सारे के सारे लोकल नमक 20-30-40 क्वांटिटी बना के छोड़ देता है, बहुत कम कम क्वांटिटी बनाता है ना। तो देखो इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल मतलब वही होता है जो लार्ज स्केल में बिजनेस करता है, उसी को, उसी के बिजनेस को हम लोग जानेंगे ना, उसी को बिजनेस को हम लोग मतलब की पहचानेंगे ना। सिंपल, ये सोर्सेस ऑफ मोनोपोली है। क्या है सोर्सेस? फीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं बाबू, उल्टा पुल्टा नहीं पड़ेगा, सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पढ़ रहे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल और एंट्री। जैसे कि हर किसी चीज में, मान लो कि रेलवे में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, अब जिस चीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, डिफेंस प्रोडक्ट में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, डिफेंस वाला चीज सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगा, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, ये मतलब कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जो सब चीजें में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखा हुआ है, वो सब चीज को तुम क्रिएट नहीं कर सकते या वो सब चीज को कोई दूसरा एक फर्म आके कंपटीशन नहीं दे सकता गवर्नमेंट को। क्लियर है? गवर्नमेंट को कंपटीशन नहीं दे सकता कोई, तो ये भी एक मोनोपोली है। इसके बाद एक बिजनेस कंबाइंस हो गया नॉर्मली, अगर कोई बिजनेस कंबाइन हो रहा है, कोई बड़ा बड़ा बिजनेस कंबाइन हो जा रहा है, तो उसको तो सेपरेट होके मतलब कि उसको तो अगर वो यूनाइट हो गया तो उसको तो हम लोग मोनोपोली मार्केट ही बोलेंगे ना बाबू, मोनोपोली मार्केट बोलेंगे कि नहीं बताओ? जी बिल्कुल बोलेंगे, 100% बोलेंगे। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली। ध्यान से सुनिएगा, ये सब सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्केट रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, ए मोनोपोली फर्म्स कंस्टिट्यूट इंडस्ट्री। तो मोनोपोली ही एक इंडस्ट्री को बनाती है, क्योंकि मोनोपोली सिंगल सेलर रहता है, सिंगल सेलर का सिंगल इंडस्ट्री रहता है, तो मोनोपोली फर्म ही इंडस्ट्री बनाती है। Therefore, the entire demand of the consumer faces the monopolist. तो monopolist ही सारे का सारा demand face करता है consumer का, कोई बांटने वाला नहीं रहता demand को, कोई दूसरा firm नहीं है जिसके साथ बंटवारा हो जाए कि इतना इतना market तुम्हारा है, इतना market मेरा है, नहीं ना।
एक ही मोनोपोलिस्ट सारा का सारा कस्टमर का प्यास को बुझाता है, सेटिस्फाई करता है. क्लियर? द डिमांड कर्व, अब थर्ड पॉइंट पढ़िए, द डिमांड कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म इज द सेम एज द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी. तो मोनोपोली फर्म का जो डिमांड कर्व रहता है वो एकदम सेम रहता है मार्केट डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व पढ़ाए तो याद है, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल लोगों का डिमांड रिप्रेजेंट करता है, मार्केट डिमांड पूरा मार्केट का डिमांड रिप्रेजेंट करता है. तो अगर मोनोपोली ने बिजनेस किया तो उसको सिंपल सा बात है तो मार्केट डिमांड ही बोलोगे ना, बिकॉज वही तो है मार्केट. मतलब एक मोनोपोली को ही तो तुम मार्केट बोल सकते हो, क्योंकि वही तो बेच रहा है सिर्फ, और कौन बेच रहा है सामान. क्लियर? इसके बाद देखिए, एज द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर फॉर ए कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड, द मोनोपोली फेसेस ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. सिंपल सा बात है कि वहां पे जो डिमांड कर्व रहता है ना मोनोपोली का, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है. बिकॉज एक मोनोपोली फर्म बाय लोअरिंग इट्स प्राइस, अगर मोनोपोली फर्म अपना प्राइस को कम कर दे तो डिमांड अट्रैक्ट होगा ही होगा. एक मिनट, हाँ एक मिनट चेक कर लेते हैं. हाँ जी ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, मुझे तो डर हो गया था. आइए तो देखिए, मोनोपोली में भी बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व वाला ट्रिक लगता है. अगर मोनोपोली लोग अपना प्राइस कम कर ले तो डिमांड बढ़ेगा, सिंपल सा बात है ना. इसके बाद द डिमांड फेसिंग द मोनोपोलिस्ट इज ऑल्सो हिज एवरेज रेवेन्यू कर्व. तो एवरेज रेवेन्यू कर्व को भी यहां पे फेस करना पड़ता है. दस एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट स्लोप डाउनवर्ड. तो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है, आप लोग देख सकते हैं मोनोपोली मार्केट में, एक बात समझिए आप लोग, मोनोपोली मार्केट में डिमांड जो रहता है बाबू इनइलास्टिक रहता है. मतलब मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर प्राइस बढ़ा भी दिया मोनोपोली ने, मोनोपोलिस्ट ने थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा भी दिया, आपको वो चीज कंज्यूम करना पड़ेगा बाबू. तो डिमांड जो रहता है ना वो इनइलास्टिक रहता है. क्या इनइलास्टिक रहता है? इसीलिए इनइलास्टिक स्टीपर थोड़ा सा है ना, देखिए ना स्टीपर थोड़ा सा है, थोड़ा सा स्टीपर कर्व है, जैसे इनइलास्टिक का कर्व रहता है वैसे ही है. और एमआर उसके बीच से ही जा रहा है बिल्कुल, जैसे वहां पे जाता था. क्लियर? यहां पे ये एआर है, ठीक है, और एमआर बिल्कुल इसके बीच से जा रहा है. देख सकते हैं आप लोग ये कर्व, आप ध्यान से देखिएगा. एज ए डिमांड कर्व, एवरेज कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, मार्जिनल कर्व विल बी बिलो इट. मतलब कि मार्जिनल कर्व इसके भी नीचे है. एवरेज कर्व तो एवरेज रेवेन्यू तो हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, एवरेज रेवेन्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू तो नेगेटिव हो सकता है ना बाबू. तो बिल्कुल इसी ऐसे ही कर्व बनता है, और ऐसे ही कर्व में हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस दिखाते हैं. ठीक है, मोनोपोली का बिल्कुल इस तरह से ही कर्व रहता है. क्लियर है? चलिए एक मिनट मैं थोड़ा सा चार्ज लगा देता हूं, सिस्टम हैंग होने लगेगा फिर. चलिए आइए आइए अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. आइए अभी हम लोग पढ़ेंगे वापस से, डस इन केस ऑफ मोनोपोली एआर एंड एमआर बोथ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व. जैसे कि आप लोग मोनोपोली के केस में देख रहे हैं कि एआर और एमआर दोनों ही नेगेटिव स्लोप्ड कर्व है. नेगेटिव स्लोप्ड कर्व मतलब डाउनवर्ड स्लोप्ड कर्व. नेगेटिवली मतलब क्या है? डाउनवर्ड, नीचे जा रहा है ये लोग. ठीक है, एमआर कर्व लाइज हाफ अवे बिटवीन द एआर कर्व एंड द वाई एक्सिस. यहां पे बताया गया कि एमआर कर्व जो है ये बिल्कुल हाफ में है, बीच से कट रहा है, बीच से एआर के बिल्कुल बीच से कट रहा है. ठीक है, इसके बाद देखिए, एआर कैन नॉट बी जीरो. एवरेज रेवेन्यू कभी भी बाबू जीरो नहीं होगा, एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो होगा ही नहीं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, एमआर कैन बी जीरो और इवन कैन बी नेगेटिव. एमआर जीरो हो सकता है, एमआर नेगेटिव भी हो सकता है, एमआर जीरो भी हो सकता है, एमआर नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, एमआर कर्व कैन टच और कट एक्स एक्सिस. ये सब चीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा. ये एमआर और एआर का रिलेशन बताता है, एमआर और एआर का रिलेशन बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन एमआर और एआर. आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. जैसे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पढ़े थे,
वैसे ही यहां पर भी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। दो कंडीशंस जो थे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, सिमिलर कंडीशंस यहां पर भी है, सेम कंडीशंस यहां पर भी है, बस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम लोगों को इस ग्राफ में बनाना पड़ता था, लेकिन अब हम लोगों को नॉर्मली इस ग्राफ में बनाना पड़ेगा, इस वाले ग्राफ में बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का जो इलास्टिसिटी था वो परफेक्टली इलास्टिक था, और परफेक्टली इलास्टिक का बिल्कुल इस तरह से रहता है, क्लियर है। और जो मोनोपोली मार्केट का इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक है, और इनइलास्टिक का ग्राफ जो रहता है वो स्टीपर रहता है, स्टीपर रहता है, बिल्कुल इस तरह से रहता है। तो इसी तरह से वो सब सारा चीज हम लोग को बनाना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन ये है दोस्तों, एमसी कर्व इक्वल्स टू एमआर, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एमआर रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है, एमसी कर्व मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो, एमसी कर्व मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो, क्लियर है। तो ये दो कंडीशंस को आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आप लोगों का ये बन जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिए, सबसे पहला केस जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नॉर्मली पहुंचने के लिए क्या हम लोग करते हैं नॉर्मली, यहां पे देखिए ये एमआर का कर्व एआर का कर्व बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया गया है, और एमसी नीचे से बस काट दिया जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए। सिंपल है, यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब एमआर और एआर इक्वल पॉइंट में यहां पे देख सकते हैं आप लोग, और यहां से कट हो रहा है सीधा, क्लियर है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तब क्या हाल होगा। नॉर्मली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ये आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो बताइए। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब आप लोगों को एक रिलेशन समझाता हूं। सबसे पहले देखिए एवरेज रेवेन्यू कहां है, एवरेज रेवेन्यू का लाइन बिल्कुल ये वाला है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं ए पॉइंट दिया हुआ है यहां पे, और एसी का कर्व कहां है, एसी बी पॉइंट। तो देखिए इस केस में आप लोग क्या बोल सकते हो कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, बिकॉज ये ए पॉइंट तो एवरेज रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये बी पॉइंट तो बिल्कुल एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट इन दैट केस। तो इस पॉइंट का जो डिफरेंस है, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, सुपर प्रॉफिट। क्या बोलोगे, सुपर प्रॉफिट। इस पॉइंट को आप बोलोगे सुपर प्रॉफिट। और एटीसी जो इस फॉर्म में रहेगा, एटीसी बिल्कुल इस तरह से रहेगा, यू शेप रहेगा, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पे देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ई था, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है जो कि हम लोग बोल सकते हैं एमआर इक्वल्स टू एमसी। इक्विलिब्रियम आउट पॉइंट ओ क्यू था, इसमें इक्विलिब्रियम आउट पॉइंट कौन सा था, ओ क्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या था, क्यू ए इक्वल्स टू ओपी। एवरेज कॉस्ट क्या था, क्यू बी। और प्रॉफिट पर यूनिट क्या निकलेगा, इधर एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। अगर आप करोगे एवरेज रेवेन्यू कौन सा है, एवरेज रेवेन्यू ये वाला ए पॉइंट, और एवरेज कॉस्ट कौन सा है, बी पॉइंट। दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको निकल जाएगा क्या, आपका निकल जाएगा यहां पे एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट निकल जाएगा आपका, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट आप लोग कैसे निकालेंगे, टोटल आउटपुट इनटू प्रॉफिट पर यूनिट। ये बस एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल ये सब नहीं दिखाना है, आप बस एक्सप्लेन कर देना आराम से, तो बस हो गया, ठीक है। इसके बाद लॉसेस को देखिए एक बार, लॉसेस आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लॉसेस कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यहां पे आप लोग एवरेज कॉस्ट का कर्व देख सकते हो एकदम ऊपर है, और एवरेज रेवेन्यू का मतलब यहां पे आप देख सकते हो बी पॉइंट में, ये बी पॉइंट में एवरेज रेवेन्यू है और ए पॉइंट में यहां पे एवरेज कॉस्ट है। यहां पे ये पता चलता है कि खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉसेस। ये जो डिफरेंस है, ये जो ए और बी पॉइंट का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप लोग क्या कहोगे, लॉसेस। इस डिफरेंस को आप लोग क्या कहोगे, लॉसेस, क्लियर है। चलो
तो इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है जहां पे सब एक साथ हो रहे हैं, एमआर और यहां पे एसएमसी, एमसी और एमआर यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिल रहे हैं, एमआर इक्वल्स टू एमसी, क्लियर है। इक्विलिब्रियम आउटपॉइंट कौन सा है, ओक्यू, बिल्कुल। एवरेज रेवेन्यू ओबी इक्वल्स टू ओपी, तो इसका भी रिलेशन बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, एवरेज रेवेन्यू यहां पे ओबी है, एवरेज कॉस्ट यहां पे क्यूए है, और देयरफॉर लॉसेस पर यूनिट, लॉस कैसे निकालो आप लोग, एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज रेवेन्यू कर दो, लॉस निकल जाएगा, जो खर्चा है और जो रेवेन्यू है उसको माइनस कर दो, लॉस निकल जाएगा आपका। टोटल लॉस कैसे निकाल सकते हो, टोटल आउटपुट इंटू लॉस पर यूनिट, क्लियर, क्लियर हो कि नहीं वो बताओ। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग रन के बारे में, शॉर्ट रन के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस, क्लियर, और नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग लॉन्ग रन के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली फर्म। तो दोस्तों लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा एक फर्म में। देखिए, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली फर्म इज अटेंड वेर इट्स मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, MC equals to MR, जिस सिचुएशन में हो गया वो हम लोग बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, क्लियर है। नेक्स्ट, द मोनोपोली फर्म कैन कंटिन्यू टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन द लॉन्ग रन। तो मोनोपोली फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा लॉन्ग रन में, क्योंकि उससे कोई कंपटीशन करने वाला कोई है ही नहीं, कोई कंपटीशन उससे करेगा ही नहीं, एक मोनोपोली फर्म से कौन कंपटीशन करेगा, ठीक है। तो मोनोपोली फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा लॉन्ग रन में भी। इसके बाद मतलब कि दिस इज बिकॉज एंट्री टू द मार्केट फॉर द न्यू फर्म्स इज ब्लॉक्ड, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन एंड देयर मस्ट बी रिकवर्ड। तो हर कॉस्ट ही वेरिएबल रहेगा, कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं रहेगा, हर कॉस्ट वेरिएबल रहेगा, रिकवर भी आप कर सकते हो, लेकिन एंट्री जो है ब्लॉक्ड रहता है। इसी वजह से क्या है, इसी वजह से हर एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाता है, नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाएगा नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाता है, क्लियर है। देख लीजिए इसका सिचुएशन, इसका भी सिचुएशन आप लोग देख लीजिए। यहां पे देखिए, ये एटीसी का कर्व है, एमसी बिल्कुल नीचे से कटा हुआ है, एमसी नीचे से ही कटा हुआ है, एटीसी ऐसे, और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप, और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहा है। इवन एट द लॉन्ग रन द फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है। आइए आप लोगों को अब यही सब सारा चीज लिखना है, यही सब सारा चीज आप लोगों को मतलब कि रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन में। इसके बाद ये पॉइंट्स को मेंशन करना मत भूलना, एक दो पॉइंट्स को मेंशन जरूर कर देना। डस वी सी दैट द मोनोपोली फर्म कंटिन्यू टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, क्लियर है। ए मोनोपोली डज नॉट प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन एलएसी कर्व, तो लोएस्ट पॉइंट में कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। इवन एट द लॉन्ग रन ही विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इन अदर वर्ड्स it operates at sub optimum level and therefore does not produce optimum output, ठीक है। एक limited output कभी भी वो नहीं बनाएगा, हमेशा वो ज्यादा ज्यादा करके ही output बनाएगा, clear है। चलो next बात हम लोग करेंगे price discrimination, तो price discrimination क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए, price discrimination उस situation को बोलते हैं जब हम लोग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाव में सामान बेच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आईफोन का अगर बात कर ले, तो मान लीजिए वो कोलकाता में बिक रहा है 50,000 रुपए में, मतलब कि मुंबई में बिक रहा है 70,000 रुपए में, वो मान लीजिए हरियाणा में बिक रहा है 80,000 रुपए में। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस को लेके अगर आप डिस्क्रिमिनेट करोगे तो उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर प्रोड्यूसर एक स्पेसिफिक कमोडिटी को अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस में बेच रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर है कि नहीं बताइए। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन ए प्रोड्यूसर सेल्स ए स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस टू द डिफरेंट बायर्स एट टू और मोर डिफरेंट प्राइजेस फॉर रीजंस नॉट एसोसिएटेड विद द डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, हरियाणा में कुछ और प्राइस में बेच रहा है आईफोन, मुंबई में कोई और प्राइस में बेच रहा है, दिल्ली में कोई और प्राइस में बेच रहा है, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से, बिकॉज हरियाणा में हो सकता है बहुत ज्यादा डिमांड है इसलिए हाई प्राइस में बेच रहा है आईफोन,
दिल्ली में बहुत कम डिमांड है इसलिए कम प्राइस में बेच रहा है। इसी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी चलता है, बहुत सारे रीजंस रहते हैं। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ मेथड ऑफ प्राइस अडॉप्टेड बाय ए मोनोपोलिस्ट इन ऑर्डर टू अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए ही ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जिधर कम डिमांड है उधर कम प्राइस में बेचो, जिधर ज्यादा डिमांड है उधर ज्यादा प्राइस में बेचो, सिंपल सा बात है। बहुत सारा कमोडिटी ऐसा है जो रूरल एरियाज में, जैसे कि गांव देहाती वाला एरिया में कम प्राइस में बेचा जाता है। बहुत सारा कमोडिटी ऐसा है जो अर्बन एरियाज में ज्यादा ज्यादा प्राइस में बेचा जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी चीज को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जिधर जितना ज्यादा डिमांड हो उधर उतने प्राइस में बेचो। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने से पहले क्या क्या कंडीशंस का तुमको फॉलो करना पड़ेगा और क्या क्या कंडीशंस रहता है इसका। कंट्रोल ओवर सप्लाई, सबसे पहला कंडीशन कंट्रोल ओवर सप्लाई। द सेलर शुड हैव फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि सेलर के पास पूरा का पूरा कंट्रोल है कि कितना कहां सप्लाई करना है, कहां कितना सप्लाई करना है। अगर हम लोग को कहीं पे ज्यादा, मतलब कि कहीं पे कम मुनाफा हो रहा है, मान लो कि दिल्ली में आईफोन का कम मुनाफा हो रहा है, तो दिल्ली में कम सप्लाई करो, कम दाम भी रखो और कम सप्लाई भी करो, बिकॉज ज्यादा मुनाफा जहां हो रहा है वहां ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करो। फुल कंट्रोल रहता है भाई, पूरा पूरा का पूरा कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर सब मार्केट। जब आपके पास मार्केट ही नहीं है, जब आपके पास एक लिमिटेड मार्केट है, जैसे कि मियोमोर, मियोमोर सिर्फ कोलकाता में चलता है, दूसरे जगह पे नहीं चलता है, तो क्या आप कर पाओगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे? नहीं भैया, एक ही जगह तो सेल कर रहे हैं, कहां से कर लेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? दूसरा जगह कोई सेल कर रहे होते तो हम लोग करेंगे ना, मार्केट होना चाहिए ना उसके लिए। हमारा दो चार मार्केट है, दो चार पांच मार्केट है, दो चार जगह जगह हम लोग बेचते हैं, फिर कर सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वरना करेंगे कैसे? क्लियर? नेक्स्ट, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन द डिफरेंट सब मार्केट। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा भाई, प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में। क्लियर है? कोई मार्केट में मान लीजिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस इलास्टिसिटी फॉलो कर रहे हैं, कोई मार्केट में मान लीजिए इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी फॉलो कर रहे हैं, कोई मान लीजिए इनइलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में अलग अलग इलास्टिसिटी रहेगा। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए, पढ़ के रखो इसको। इसके बाद क्या है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल, यानी कि रीसेल का कोई भी यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। उस मार्केट में जाके बेचो, it should be possible, it should not be possible for the buyers of low priced market to resell the product at the buyers of high priced market, ठीक है? Next बात करेंगे अभी objective of the price discrimination, मतलब कि price discrimination का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो बताओ भाई, different different जगह पे different different prices पे sell क्यों कर रहे हो? इसका उद्देश्य तो बताइए सर। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहला उद्देश्य to earn maximum profit, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सिंपल सा बात है, इसीलिए तो डिफरेंट डिफरेंट भेदभाव कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शहर में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में हम लोग सामान को बेच रहे हैं। टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, सरप्लस स्टॉक को हटाने के लिए बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सामान नहीं बिका है, कुछ स्टॉक बचा हुआ है, वो बचा हुआ स्टॉक को बेचने के लिए कम दाम में बेच दिया जाता है। क्लियर है? To enjoy economies of scale, लार्ज स्केल में तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको बेचोगे फिर ना मजा आएगा, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके बेचो, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस की गुड्स बेचो, बस। To capture foreign market, फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए फॉरेन मार्केट में आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। यहां एक किताब, मान लीजिए क्लासमेट, क्लासमेट यहां कॉपी बनाने के लेता है 100 रुपीज, मान लीजिए 100 रुपीज का एक कॉपी आता है, वहीं पे वो चला जाएगा यूएस, मान लीजिए यूएस में भी बेचने लगा है क्लासमेट, तो वो उसी कॉपी का मान लीजिए $5 दे रहा है। कितना ज्यादा हो गया बताइए, कितना ज्यादा हो गया बताइए, $5।
तो टू इंजॉयस टू कैप्चर फॉरेन मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, इक्विटी को भी सिक्योर करने के लिए प्राइसिंग, मतलब कि ऐसा कुछ प्राइसिंग सेट कर रहा है आपको कि आप अपना इक्विटी, आप अपना स्टेक को भी सिक्योर कर पाओ, मार्केट शेयर को भी सिक्योर कर पाओ। मार्केट शेयर बढ़ेगा, इन्वेस्टर लोग खुश होंगे कि भैया मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, मार्केट तो बढ़िया डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं बताइए। तो आपके सिलेबस में बिल्कुल इतना तक ही था, और हमारा रेवेन्यू एंड मार्केट वाला चैप्टर भी खत्म हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के साथ। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि ये सारे के सारे लेक्चर्स आप लोग देखोगे, और 25 और 26 जनवरी को मैराथन अटेंड करने आ जाना भाई, बहुत ही बड़ा और बहुत ही धूमधाम से हम लोग मैराथन को अटेंड करेंगे। थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू।